डेढ़ गिलास दूध खौलाने रख दिया। जब ये खौल खौल कर आधा रह जाएगा तब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। पकते पकते आधा हो गया। अब हम इसमें, अभी तक तो कुछ नहीं डाला था, अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे। 2, 3 और इसको अब हम 10 मिनट तक और पकने देंगे हल्की आंच पर, ताकि शक्कर घुल जाए और शक्कर का जो पानी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, सूख जाए। फिर हम इसमें चुटकी सोडा डालेंगे, तब हमारा मिठाई तैयार होगा। अब ये और गाढ़ा होगा शक्कर के साथ पककर। इसे अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे हल्की आंच पर। हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया। इसमें हम जो है, ये हमारा यह दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का, जैसे दूध को प्रिजर्व करेगा ये। जैसे दूध फटने वाला होता तो कहते हैं कि सोडा डाल दीजिए दूध नहीं फटेगा, ऐसे ये डेयरी प्रोडक्ट बहुत जल्दी फट खराब होते हैं, तो इसलिए इसमें, और इसको ठंडा होने देंगे। इसमें सोडा बचाने का काम भी करेगा, 3 महीने तक हम इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, ठंडा होने पर इसे कंटेनर में लौटेंगे। ये हमारा वही गाढ़ा किया हुआ दूध है, आधा कप। ये दही है, दही को हमने ऐसे छन्नी पे रखकर छान लिया है। हमें इसको क्रीमी टेक्सचर चाहिए, पानी बिल्कुल नीचे निकल जाए। 1 कप दही ले लेंगे हम। इधर हमने आम को फ्रोजन कर दिया था, ये बिल्कुल बर्फ़ जैसे टाइट हो गए। जिस वेसल्स में आपको आइसक्रीम जमाना उसी में इसको रखकर मैंगो को फ्रोजन कर लें, इससे वेसल्स भी ठंडा हो जाएगा और इधर ये वाला वेसल भी हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। अब हम सबसे पहले ब्लेंडर में ये गाढ़ा दूध डालेंगे। अगर आपके पास गाढ़ा दूध ना हो तो आप मिल्कमेड डाल दीजिए, गाढ़ा नहीं करना चाहते जल्दी से बनाते। और ये दही, 1 कप दही में 1/2 कप हमने गाढ़ा दूध दिया और ये फ्रोजन आम, ये सब मिक्सी में चला लेंगे डालकर। हमें पहले लिक्विड चलाना है ताकि फ्रोजन आम का प्लेट पर असर ना पड़े। ये हमारा मैंगो का और दही का और सूखे दूध का, गाढ़े दूध का ये मिक्सचर तैयार हुआ। इसे मैंने थोड़ा सा और गाढ़ा दूध डालना पड़ा क्योंकि ये फीका था। थोड़ा मीठा तेज़ रखेंगे तो जमने के बाद एग्जैक्ट सही हो जाएगा। इसको अब हम वेसल्स में पलट कर एयर टाइट कंटेनर में करके रखेंगे। इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा देंगे। क्लिंग रैप लगा कर इसका टाइट से लिड बंद कर कर ये आधी जमने तक हम इसे फ्रिज में रख कर आएंगे 2 से 4 घंटे में। ये देखिए, ये हाथी जम गई है। इसमें अभी हार्डनेस है चम्मच डालने पर, इसलिए इसको ब्लेंड करेंगे, उसी में निकाल कर चलाएंगे। जमने पर जब मिक्सी में चलाते हैं तो फिर आगे जब नहीं जमती है आइसक्रीम में, बिल्कुल बजाज जैसी सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बनती है। अब इसको रात भर के लिए फ्रीज कर दें। आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट है, इसमें कहीं भी आइस की क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, जैसे बाजार की होती है वैसे स्मूथ है, सिल्की सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग स्मूथ आइसक्रीम।